हाय फ्रेंड्स, मैं राम सूर्या और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ गोल्ड के बारे में और सत्यमेव जयते के बारे में। इन दोनों की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी क्या आई है तीसरे दिन की, वो आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी खुशखबरी है गोल्ड के लिए, लेकिन सत्यमेव जयते के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। क्या है, क्यों है, मतलब क्या रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको बता दूं, गोल्ड की जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो कम से कम 25% के आसपास नजर आ रही है, और 25% के आसपास एक अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी, क्योंकि कल की ऑक्यूपेंसी गोल्ड की थी करीबन 20%। तो यानी कि जो ग्रोथ है ऑक्यूपेंसी में वो करीबन 15-20% तक का मिला है, जो अच्छी खासी बात है कल के हिसाब से, मॉर्निंग शोज के हिसाब से। अब यहाँ पर 25% गोल्ड का रहा है ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग शोज की। लेकिन सत्यमेव जयते की बात करें तो सत्यमेव जयते की जो ऑक्यूपेंसी है जो कल थी उसी के आसपास आज नजर आ रही है, लेकिन फिर भी करीबन जो ऑक्यूपेंसी है वो 25% है। यानी कि सत्यमेव जयते कल भी 25% पे ओपन हुई थी और आज भी उसका 25% है। तो यानी कि कलेक्शन में शायद उतना उतना इंक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बता दूं, ये जो ऑक्यूपेंसी के सैंपल्स आते हैं ये ज्यादातर मल्टीप्लेक्सेस की तरफ से आते हैं। यानी कि इसका मतलब साफ है कि अगर सिंगल स्क्रीन पे जो फिल्म धमाल कर रही है या किस तरह से ऑक्यूपेंसी वो शाम तक ही क्लियर हो पाएगी। यानी कि अब हम सत्यमेव जयते को कम नहीं आ सकते हैं। और वापस से आपको बता दो, अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें तो गोल्ड में ग्रोथ हुआ है 15-20% तक का, 25% तक की ऑक्यूपेंसी आई मॉर्निंग शोज की, और सत्यमेव जयते की 25% आई है, कल भी उतनी ही थी। तो ये दोनों फिल्मों का लेखा जोखा है तीसरे दिन का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल इतना ही।